गाजीपुर में कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गाजीपुर में सोमवार को भी एक नया कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 29 हो गई है। यह कोरोना संक्रमित मरीज भी महाराष्ट्र से गाजीपुर जनपद आया था। इसके कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। अब तक गाजीपुर में मिले कोरोना मरीजों की कुल संख्या की बात करें तो ये 35 है, जिसमें से 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मनिहारी ब्लॉक के गुरैनी गांव का एक प्रवासी बीते 13 मई को महाराष्ट्र से जखनिया स्थित क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा था। इस प्रवासी शख्स का स्वैब 14 मई को जांच के लिए वाराणसी भेजा गया, जहां से आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आने के बाद संक्रमित प्रवासी को उपचार के लिए एम्बुलेंस द्वारा वाराणसी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि गाजीपुर में प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। भारी संख्या में लोग महानगरों से आ रहे हैं। ऐसे लोगों को तमाम क्वारंटीन सेंटरों पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ रहा है। इसके बाद इन्हें घर पर ही 21 दिन क्वारंटीन रहने का आदेश दिया जा रहा है। अगर आप भी बाहर से गाजीपुर आए हैं तो आपको खुद को अपने घरों में आइसोलेट रखना चाहिए। सरकार ने लॉकडाउन 4 की घोषणा करते हुए इसे 31 मई तक बढ़ा दिया है। ऐसे में इसका पालन कड़ाई से किए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि बीते रविवार का दिन पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के नाते ठीक नहीं रहा। तब 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। ये एक दिन में सर्वाधिक संक्रमण के मामले हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या का कुल आंकड़ा 96,000 को क्रॉस कर गया है। इस रफ्तार से 1,00,000 मरीज होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। इन कुल मरीजों में मृतकों की बात करें तो यह आंकड़ा भी 3,000 को पार कर गया है, जबकि 36,000 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं। ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि आप लॉकडाउन के दौरान पूरी सावधानी से इसका पालन करें, बिना मास्क के बाहर कतई ना निकलें, और जिन्हें बुखार, सर्दी, जुखाम के लक्षण हैं उनसे दूरी बनाकर रहें। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संदिग्ध मरीज दिख रहा है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को जरूर दें। सबसे अधिक जरूरी खुद की सेफ्टी का ख्याल है। दिन भर में कई बार अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने हाथों से आंखों, नाक और मुंह को छूने से भी बचें। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।